तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और कुछ भी मत भूलिएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे सब ले जाना मैंडेटरी एज़ पर ए आई बी सिक्सटीन गाइडलाइंस सो सबसे पहली बात आपको अपने साथ सैनिटाइजर लेके जाना है प्रॉपर मास्क वेयर करना है इसमें कोई भी तरह की आपको छूट नहीं मिलेगी तो सैनिटाइज़र लेकर जाना ही है और मास्क प्रॉपरली वेयर करना है सेकेंड पॉइंट आपको अपने साथ वोटर आईडी कार्ड लेकर जाना है आधार कार्ड लेकर जाना है पासपोर्ट ले पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी हो चल जाएगा कोई इशू नहीं है क्योंकि सबका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता ठीक है तो यू कैन कैरी एनी वन ऑफ इट अगली बात आपको अपना एडवोकेट एनरोलमेंट आईडी जो है जो भी आपका स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट का होगा एडवोकेट एनरोलमेंट आईडी वो आपको लेकर जाना ही जाना है ठीक है सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन आपको वोटर आईडी लेकर जाना है आधार लेकर जाना है एडवोकेट एनरोलमेंट आईडी डी ब स्टेट बार काउंसिल ये लेकर जाना ही जाना है ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से जो आपके अवेलेबल हो ले जाइए इफ़ इन केस नहीं अवेलेबिलिटी रहती तो कोई इशू की बात नहीं है नहीं लेकर जाओगे तो भी चलेगा ठीक है बट स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट होना चाहिए आधार होना ही चाहिए वोटर आई होना चाहिए ठीक है इसके बाद अब बात सैनिटाइज़र भी लेके जाना है ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है एंड अबव ऑल एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके रखिएगा कोशिश करिए कि अपने साथ दो प्रिंट आउट रख लेना एडमिट कार्ड के कभी कभी कोई एक मिसप्लेस हो जाता है या फट जाता है सो so, उन सब फीस से बचने के लिए ट्राई टू कैरी टू कॉपीज़ ऑफ एडमिट कार्ड अगला अपने साथ वैसे ही एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रख लेना दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रख लेना कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कुछ चीज़ों की तो अगर आप दो तीन चीज़ें अपने साथ एक्स्ट्रा भी कैरी कर लोगे तो इट वॉन्ट अफेक्ट यू है ना सो so, एग्ज़ाम के लेके हमें कभी भी कोई तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए इसलिए जस्ट फॉर एन एडवाइस मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी अपने साथ रख लेना एडमिट कार्ड की दो कॉपीज रख लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आती है बात क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ कैरी नहीं करनी है तो आपको अपने साथ कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैरी नहीं करना मतलब कोई भी आपका डिजिट आ, डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए कोई स्मार्ट वॉच कैरी नहीं करना कोई भी गैजेट कैरी नहीं करना मोबाइल फोन्स कैरी नहीं करने ठीक है और जो लोग एसेसरीज़ है ज्वेलरी पहनने का क्रेज़ रखते हैं सो गाइज वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको बेसिक लाइक एक्सेस ज्वेलरी एसेसरीज नहीं कैरी करनी है आपको अपने साथ ठीक है सो इट शुड बी वेरी बेसिक यू हैव टू गो इन अ वेरी डिसेंट अटायर कपड़े भी आपके बहुत डिसेंट होने चाहिए ऐसा कोई आ, ड्रेस कोड नहीं है कि आपको ब्लैक एंड वाइट में जाना है फॉर्मल्स में जाना है आप कोई भी डिसेंट अटायर में जा सकते हो डिसेंट गेटअप में जा सकते हो पर एक्सेस ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए कुछ भी कॉडी ज्वेलरियाँ जो यू नो you know, अलग से दिखे ऐसा कुछ नहीं यू हैव टू वेयर यू हैव टू बी वेरी डिसेंट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन ओवर देयर आपका एआईबी का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपको तैयार होना है ठीक है और ऑब्वियसली बियर एग्स आप अपने साथ कैरी कर सकते हो तो अपनी बेर एग्स भी लेके जाइएगा बस कोई भी तरह के नोट्स या रेफरेंस बुक्स ले जाना अलाउड नहीं है सो या गाई स्टार्ट ऑल फॉर द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग दिस ईयर फॉर ए 16 2021 एंड वन मोर असेंशियल थिंग मेरे मार्ग से इसके प हो गया था इज आपको अपने साथ बॉल पेन जरूर रखना है यू हैव टू कैरी अ ब्लू बॉल पेन ठीक है ब्लैक भी रख सकते हो बट ब्लू बॉल पेन ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है तो यू कैन कैरी बोथ द बॉल पेन बट द पॉइंट इज आपको बॉल पेन ही कैरी करना है कोई भी शॉर्ट ऑफ जेल पेन इज़ नॉट अलाउड ठ ठीक है क्योंकि ओ एम आर शीट रहेगा सो यू हैव टू कैरी अ बॉल पेन आइर ब्लू और ब्लैक और बोथ ऑफ दैम इट टोटली अप टू यू And yeah, now that is all for the video. And till then, bye bye, take it, and all the very best of luck to all the candidates.